हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनोकामना सॉफ्टवेयर में। तो देखिए, मेरे पास आज रेडमी का नोट 8 फोन आया है और इसमें प्रॉब्लम है, ऑटो ऑन ऑफ होता है। इसमें देख सकते हैं आप, प्रॉब्लम इसमें ऑटो ऑन ऑफ होता है रेडमी नोट 8। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम जो आता है रेडमी नोट 8, नोट 7, नोट 6, बहुत सारा मॉडल में ये प्रॉब्लम आता है। और क्या प्रॉब्लम आता है, तो चलिए आप लोगों को इस वीडियो का दिखाने वाले हैं और पूरा मोबाइल आप लोगों को ओपन करके ठीक करके दिखाएंगे पूरा। चलिए सबसे पहले इसको हम खोल लेते हैं। देखिए, इसका बैक पैनल ग्लास होता है, बहुत ही आसान तरीका से खोलना होता है, बहुत ही सावधानी से खोलना होता है। तो ग्लास ये टूट जाएगा तो ओरिजिनल मार्केट में नहीं आता है, डुप्लीकेट आता है। ओरिजिनल ग्लास खोलने के लिए देखिए, हल्का हल्का हमने चारों साइड से इसको गर्म कर रहे हैं। गर्म करने के बाद पूरा खोल कर दिखाते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। रेडमी का नोट 7, नोट 8, लमसम रेडमी का जो भी मोबाइल आता है ऑटो डाउन होने लगता है, यूट्यूब वीडियो चलाने पर या कॉलिंग आने पर बंद हो जाता है। ये प्रॉब्लम बहुत सारे मोबाइल में आ रहे हैं आजकल। जैसे यूट्यूब वीडियो ऑन करते हैं या फिर मुझे कॉल आता है या कॉलिंग करते हैं तो मोबाइल बंद हो जाता है, या फिर चार्जिंग में लगा के चलाते हैं तो बिल्कुल ओके रहता है। चार्जिंग में जैसे चला के हम कुछ भी चलाएं तो बिल्कुल ओके रहता है, और चार्जिंग से निकालते ही बंद हो जाता है। इसका क्या प्रॉब्लम होता है आप लोगों को इस वीडियो में हम पूरा दिखाएंगे और फोन को बनाकर भी दिखाएंगे। फोन का आप लोगों को प्रॉब्लम हमने दिखा दिया था, ऑटो ऑन ऑफ होता है। इसको देखिए, हम आराम आराम से खोल रहे हैं और खोलने के बाद इसका हम आप लोगों को प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करके दिखाएंगे। और प्लीज, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो मोबाइल टेक्नोलॉजी का, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का वीडियो हम आप लोगों को देते रहेंगे। तो प्लीज, अगर आपके लाइक कमेंट से मेरा प्रोत्साहन बढ़ता है और हमें वीडियो बनाने में मदद मिलती है तो प्लीज आप हमें लाइक कमेंट जरूर करें। देखिए, हमने इसका ग्लास आराम से निकाल लिया है, बिल्कुल टूटे हुए देख सकते हैं। इसका फिंगरप्रिंट भी होता है, आराम से निकालेंगे। तो देखिए, इसको सबसे पहले हम खोल लेते हैं। और इसमें दोस्तों प्रॉब्लम जो होता है माइनर प्रॉब्लम होता है, बहुत छोटा प्रॉब्लम होता है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। बट आप किसी टेक्नीशियन के पास, दुकानदार के पास जाते हैं तो बड़ा प्रॉब्लम करके आपसे पैसा ज्यादा ले लेता है, या फिर मोबाइल को फॉर्मेट कर देता है, सॉफ्टवेयर कर देता है, फिर भी प्रॉब्लम का समस्या दूर नहीं होता है। या फिर मदर बोर्ड में भी बहुत सारे टेक्नीशियन काम कर देते हैं, ये प्रॉब्लम दूर नहीं होता है। बहुत ही माइनर फॉल्ट है दोस्तों ये। इसमें आपको बहुत ईजी तरीका से हम बताएंगे कैसे सॉल्व होता है ये प्रॉब्लम। अगर आप थोड़ा भी काम करते हैं मोबाइल का तरह से तो खुद से भी कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, हमने इसका खोल लिए हैं। खोलने के बाद देखिए, पूरा बोर्ड फ्रेश है, एकदम कहीं से कोई काम किया नहीं है। हमको क्या करना है दोस्तों, इसमें इसका देखिए, ये बटन जाने फास्टफूड हो जाता है। चलिए, प्रॉब्लम एक बार आप लोग और चेक करवा देते हैं, फिर इसका हम काम स्टार्ट करेंगे। देखिए, रेडमी लिखा और रेडमी लिख के बंद चालू हो जाता है। और चार्जिंग में लगाएंगे हम तो देखिए, चार्जिंग में लगाने के बाद ये चालू हो जाएगा, पूर्ण रूप से चालू होगा। और चार्ज में देखिए, चार्ज पकड़े, बैटरी भी इसका देखिए 73% चार्ज है, बैटरी 73% चार्ज है। कई बार होता क्या है, टेक्नीशियन बैटरी भी चेंज करवा देते हैं इसके कारण, बिल्कुल बैटरी आपका ओरिजिनल होता है, बैटरी खराब नहीं होता। अगर आप बैटरी चेंज कर लेते हैं तो पहले की तरह आपका डुप्लीकेट बैटरी जो होगा वो बैकअप नहीं देगा। ओरिजिनल बैटरी का आप लोग भी जानते हैं कितना अच्छा बैकअप होता है और कितना अच्छा चलता है। इस कंडीशन में आप बैटरी ना चेंज करवाएं। देखिए, फोन हम ऑन कर लिए हैं, देखिए कितना अच्छा एकदम चार्जिंग में चल रहा है। इसमें लॉक लगा हुआ है, लॉक तो हमें मालूम नहीं है। तो देखिए, एकदम अच्छा चल रहा है फोन, ठीक है, लेकिन चार्जिंग में निकालते ही बंद। तो चलिए, आप लोगों को हम इसका रिपेयर करके दिखाते हैं इसमें क्या करना होगा। तो देखिए, इसको हमको करना क्या है, बैटरी का शील्ड थोड़ा सा काट लेना है। देखिए, यहाँ से बैटरी का शील्ड हमने इसको काट लिया, और काटने के बाद यहाँ पे एक फ्यूज होता है दोस्तों, ब्लैक कलर का। देखिए, ये ब्लैक कलर का बीएल के लिखा होता है, इस पर ये फ्यूज होता है। और इस फ्यूज को करना क्या है, मुझे किसी अच्छे आयरन से निकाल लेना है दोस्तों। ये बैटरी वाला काम है, थोड़ा सावधानी से करना है, बैटरी को हिट लगेगा, बैटरी आवाज कर सकता है, इसलिए सावधानी से फ्यूज हमें बिल्कुल आसान तरीका से। देखिए, हमने फ्यूज ये निकाल लिया, छोटा सा फ्यूज होता है। और फ्यूज निकालने के बाद हमको क्या करना है, दोनों साइड जंप कर सकते हैं, इसको दोनों साइड जंपर कर देंगे। आप भी जानते हैं, कोई भी चीज का अगर फ्यूज होता है तो उसको हम अगर फ्यूज उड़ जाने के बाद दोनों साइड अगर जंपर भी कर दे, तार की जोड़ दे, चलेगा। तो यही हम करेंगे, इसमें एक वायर लेंगे पतला सा और इसको जंपर कर दे। देखिए, जंपर हमने कर दिया है इसको, और जंपर करने के बाद देखिए, अब इसको हम सेम टू सेम जैसे ही पैक था सिल्क, वैसे ही बैटरी को आराम से पैक कर देंगे। इसमें ना हमारा कोई बैटरी चेंज करना पड़ा, ना ही कोई पार्ट्स चेंज करना पड़ा, और इजी तरीका से मेरा प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गया। इसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। प्लीज दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आप लोगों को काम इस वीडियो से हो जाए तो एक लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, आशा रखते हैं आप लोगों से हम। तो देखिए, रेडमी अब बिना चार्जिंग का हम इसे ऑन करेंगे, बिना चार्जिंग का। देखिए, बिना चार्जिंग का ये अब चालू होने लगा, और बिना चार्जिंग का भी अब बिल्कुल मोबाइल मेरा पहले की तरह एकदम ओके चलेगा, इसमें कहीं से कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए, इसे हम कस्टमर का लॉक पूछ लेते हैं। लॉक पूछने के बाद देखिए, लॉक इसका ये है। अब देखिए, कुछ भी हम चलाकर आप लोगों को दिखा देते हैं, थोड़ा कॉलिंग वगैरह ये वगैरह कुछ भी करके दिखा देते हैं।
तो देखिए कॉलिंग में भी अब मेरा फोन नहीं बंद होगा, देख सकते हैं कॉलिंग भी चालू हो गया और यूट्यूब वगैरह भी इसमें अब चलेगा, वहां से कोई दिक्कत नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, देखें आप लोगों को प्रॉब्लम हम बिल्कुल शॉर्ट करके दिखाएं, इसका शॉर्ट आउट करके बिल्कुल देखें, छोटा सा प्रॉब्लम होता है शॉर्ट आउट हो गया। तो आप लोगों को ऐसे ही वीडियो हम देते रहेंगे मोबाइल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का, जो भी मोबाइल में प्रॉब्लम आता है, अगर आपके मोबाइल में अदर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करके बता सकते हैं, आपको हम प्रॉपर सॉल्यूशन देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को हमने रेडमी नोट 8 का ऑटो ऑन ऑफ सॉल्यूशन बताया। तो धन्यवाद दोस्तों, देखिए इसको हम अपने पैक कर लेते हैं और पैक करने के बाद इसको अच्छी तरीके से हमने जैसे पहले था वैसे ही 7000 देखे जो गोंद होता है लेकर के इसको आराम से चिपका लेंगे। मेरा मोबाइल अब पहले की तरह बिल्कुल फिट चलेगा, कहीं से कोई दिक्कत अब नहीं होने वाली है। तो ये प्रॉब्लम आपको किसी भी दुकानदार 100 से 150 रुपए लेके आसानी से कर देंगे, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, माइनर फॉल्ट होता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर से किसी दूसरे वीडियो में। आप लोग चैनल को प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी कोई भी दबा लीजिएगा, ताकि इस टाइप का वीडियो आप लोगों को हम देता रहे और मेरा वीडियो का